दोस्तों आपको पता है कि आपका जो चैनल है उस पर अगर कम व्यूज भी आते हैं, अगर 500 से लेकर 1000 व्यूज भी आते हैं तो भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वीडियो है जिसका आरपीएम बहुत हाई होता है। हाई आरपीएम का मतलब हुआ कि आपको उस पर 500 व्यूज पर जो है वो भी आपको $4-5 इजिली मिल जाएंगे, या फिर आपका $10 भी मिल सकता है। वो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा हैशटैग और टाइटल या फिर कीवर्ड ये सब ऐसा होता है जो कि हाई आरपीएम कीवर्ड है, उसका यूज अगर आप करते हो अपने वीडियोज में तो आपका जो वीडियो है वो महंगा हो जाएगा, और तब जो है आपके वीडियोज पर जो ऐड आएंगे वो महंगे महंगे ऐड आएंगे। और ऐसे में आपको अगर 100 व्यूज भी आते हैं तो 100 व्यूज पर भी आपको $1 इजीली बन जाएगा। मैं आपको ये लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ अपने स्टूडियो में ले जाकर। आपको पता है कि मैंने अपना कॉन्टेंट जब से चेंज किया है तो मेरे चैनल पर व्यूज डाउन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है एक ऐसा टॉपिक पे जिस टॉपिक पे मैं आपको व्यूज भी दिखाऊंगा और साथ में उसका मैं आरपीएम दिखाऊंगा, जिसका आरपीएम जो है वो लगभग 7 के आसपास गया हुआ था। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले वहां पर दिखाता हूं अपने YT स्टूडियो में जाके, फिर हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा YT स्टूडियो है। यहाँ पर एक वीडियो है बिना मोनेटाइजेशन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, मनी फ्रॉम YouTube, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके एनालिटिक्स पे चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर व्यूज जो है वो 1.1 के व्यूज इस पे आए हुए हैं, ठीक है, जो कि 1.1 के जो व्यूज है ये यहाँ पर है। अब आगे देखो, मैं इसका आपको दिखाना चाहता हूँ इसका मैं आरपीएम, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका जो रेवेन्यू मुझे मिला है 1K पे $2.27 का मुझे रेवेन्यू मिला है इस वीडियो पे। बात करते हैं इसका आरपीएम की, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं रेवेन्यू सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ से मैं आपको इसका रेवेन्यू आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको इसका आरपीएम देख, ठीक है। ये जो आरपीएम है ये फिलहाल आपको दिख रहा होगा 2.06, ठीक है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ इसका जो ये मार्क है चार्ट देखो यहाँ पर आप, जिस दिन मैं इसको अपलोड किया था उस दिन जो है वो इसका जो रेवेन्यू ये था ये देखिए आप कितना था $6.32, यानी कि उस वक्त जो है वो मुझे 1000 व्यूज पर $6 जो है वो यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन बाद में मुझे व्यूज आए इस पे इसका जो आरपीएम था वो यहाँ पर कम हो गया था, लेकिन फिर भी जो है मुझे यहाँ पर $2 मिल गए हैं सिर्फ 1000 व्यूज पर, जो कि मुझे नॉर्मली जो वीडियोज होते हैं उसमें 4K 5K 6K पर जो है मेरा $1 बनता है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हो सिर्फ 1000 व्यूज पर यहाँ पर $2 बन चुका है, ठीक है। इसके अगर हम सीपीएम की बात करें वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सीपीएम जो है वो अभी $1.68 है, लेकिन जब मैं इसे अपलोड किया था उस दिन कितना था देख लो, उस दिन था $8 के आसपास, यानी कि $8 का सीपीएम था और $6 का मेरा आरपीएम था। उस दिन अगर मेरे वीडियोस पर 1000 व्यूज आ जाते तो मेरा जो है यहाँ पर एक ही वीडियो से मेरा $100 से $60 जो है वो इजीली बन जाता। अब बात करते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या मैंने हैशटैग का यूज किया है, क्या मैंने ऐसा कुछ किया है इसमें। चलिए यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले इसका टाइटल देखो, अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब विदाउट मोनेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये टाइटल है अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा और देखिए अर्न मनी यहाँ पर है अर्न मनी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, और उसके बाद क्या है ऑनलाइन अर्निंग। ये तीन जो टॉपिक है ये बहुत हाई रैंकिंग यानी कि हाई पेड ये आपको टैग है या फिर टाइटल है। इसके अलावा डोमेन एंड होस्टिंग, मोबाइल रिव्यू, ये सब का जो आरपीएम है बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अर्निंग पे वीडियो बनाते हैं तो आपके चैनल पर कम व्यूज आते हैं, 100 व्यूज आते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन अर्निंग पर अगर वीडियो बनाते हो तो आपका आरपीएम ऑलवेज हाई रहेगा, और हाई आरपीएम पे आपका व्यूज कम आएगा फिर भी आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि भाई 1000 के आया है लेकिन इस वीडियो पे मुझे $2 ही बने हैं, ऐसा क्यों। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन। मेरा वीडियो का लेंथ देखो कितना लंबा है, 4.55, यानी कि 5 मिनट का मेरा वीडियो है। इस पे मुश्किल से 2 एड्स आएंगे या फिर 4 एड्स आएंगे, 2 शुरू में 2 लास्ट में, ठीक है। आपको वीडियो बनाना है 8 मिनट से लंबा, जिससे कि आप उसमें मल्टीपल एड लगा सको, और जब आपके चैनल पर इस टाइप के वीडियो में मल्टीपल एड रहेंगे तो आपका $6 नहीं बल्कि $10 भी इजीली बन जाएगा। और ये मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। इस टाइप के वीडियो बनाकर आप अपने चैनल पर जो है व्यूज की बरसात कर सकते हो। तो मैं आपको यही बताने वाला था कि आपको अपना जो वीडियोज है वो व्यूज आए ना आए, आपको उस टाइप पर आपको उस टैग में वीडियो बनाना है, उस टॉपिक पे वीडियो बनाना है जिसका जो रेवेन्यू है वो हाई है, जो कि आपको हाई पेड करता है यूट्यूब, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर आपका वीडियो जो है वो US में चले या फिर आपका इंग्लैंड में चले, इस सब जगह पर जो है वो पहले से ही इसका आरपीएम हाई है, आपको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन इंडिया में सस्ता है। तो इसीलिए आपको इंडिया में आपको अर्निंग करनी है अच्छी खासी, आपको ऑनलाइन अर्निंग, डोमेन होस्टिंग, इसके अलावा आपको मोबाइल रिव्यू, इसके अलावा आपको ये एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर मतलब सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग जहां पर बात अर्निंग की होगी, या फिर आपका एक और देता है शेयर मार्केट, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको आरपीएम मिलता है। इन सब टॉपिक पर अगर वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियो जो होगा वो कम व्यू पर भी अच्छी खासी अर्निंग करके
करके देगी आपको, और आप मैं आपको लाइव दिखाया कि कितना आरटीएम यहाँ पर मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ये बहुत अच्छा लगेगा, ये जानकारी है ये बहुत ही गजब की जानकारी है। आप लोग अपने चैनल को जब मोनेटाइज करवाओगे या जिनका मोनेटाइज होगा, आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और अच्छी खासी आप अर्निंग कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का जो टॉपिक है या इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।